हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी सी हॉट चॉकलेट। बहुत ही यमी टेस्ट है इसका, बच्चों को और यंगस्टर्स को खास तौर पर बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलें चलते हैं अपने किचन में और जल्दी से बनाते हैं हॉट चॉकलेट। तो हॉट चॉकलेट बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो हैं 1.5 कप मिल्क, 1/4 कप मैंने ली है शुगर, यानी कि 3-4 टेबल स्पून है ये चीनी के। आपको जितनी मीठी हॉट चॉकलेट पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, कोकाओ पाउडर, मैं ये मिल्काडोना का यूज कर रही हूँ। और हमें चाहिए है चॉकलेट, ये तकरीबन 35 से 40 ग्राम्स है। मैं मिल्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ, आप डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं अगर आपको चॉकलेटी टेस्ट पसंद है। थोड़ी सी हम चॉकलेट इस तरह से क्रश कर लेंगे गार्निशिंग के लिए, मैंने किटकैट को क्रश किया है। और हमें चाहिए है क्रीम, आप खुद से क्रीम को विप भी कर सकते हैं या फिर आप स्प्रे वाली यूज कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं स्टोव की तरफ और जल्दी से बनाते हैं हॉट चॉकलेट। सबसे पहले सॉस पैन में दूध ऐड कर देंगे 1.5 कप। दूध को हम बॉईल कर लेंगे और जब उबाला आ जाएगा तो हम बाकी चीजें ऐड करेंगे। और ये दूध बॉईल होना शुरू हो गया है, अब मैंने फ्लेम लो कर दी है, हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। कोको पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि कोको पाउडर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। चीनी ऐड कर देंगे, फिर से मिक्स करेंगे, हैंड विस्क का यूज करेंगे। अब हम ये चॉकलेट ऐड कर देंगे, अब हम मिक्स करेंगे जब तक ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती और मिक्स नहीं हो जाती। चॉकलेट मेल्ट हो गई है अच्छे से, अब हम इसे लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट पकने देंगे और उसके बाद हमारी हॉट चॉकलेट रेडी हो जाएगी। अब हमने स्टर नहीं करना। और 2 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी हॉट चॉकलेट तैयार है, हम इसको कप में या ग्लास में पोर कर लेंगे। टॉपिंग करेंगे हम इसकी व्हिप्ड क्रीम से। और गार्निश कर देंगे हम चॉकलेट से। तो देखा आपने कितना इजी है घर में ही हॉट चॉकलेट को बनाना। तो जल्दी से मेरी रेसिपी को फॉलो करें और जाकर हॉट चॉकलेट बनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।